नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की। दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर इवेक्शन का दौर चल रहा है, वीकेंड का वार का शूट हो रहा है। वीकेंड के वार में इवेक्शन कर दिए गए हैं और दो ऐसे इवेक्शन किए गए हैं जो कि पूरी तरीके से अनफेयर हैं और लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कंटेंट दे रहे हैं उन लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया गया है। ऐसे लोगों को बाहर किया गया है जिन्होंने पूरे बिग बॉस पे अच्छी खासी टीआरपी बना के रखी, और जो लास्ट वीक था वहां पर टीआरपी को हाइप में पहुंचाने का काम विशाल सिवानी और लवकेश कटारिया का था। और ऐसी कंडीशन पे जो इवेक्शन किया गया है बहुत ही अनफेयर तरीके से किया गया है। शिवानी कुमारी का फर्स्ट इवेक्शन हुआ है बिग बॉस के घर पे। शिवानी कुमारी को घर से बाहर कर दिया गया, और किस वजह से? घर में जो वोटिंग कराई गई थी उन वोटिंग के आधार पर। नॉमिनेशन में भी बिग बॉस ने गेम खेला भैया, कि कह दिया कि अरमान मलिक तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट थे, लेकिन नहीं, उनको तो टॉप 5 पे लेके जाना है। तो रणवीर से कहा भैया इनको बाहर निकाल लीजिए, जबरदस्ती की स्पेशल पावर रणवीर सॉरी को दे दी कि भाई इनको बाहर कर लो, जबकि कोई लॉजिक नहीं बनता। जब आपने पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया है तो नॉमिनेट होना चाहिए, लेकिन आप केवल ये कह रहे हो कि आप अरमान को बचा लीजिए और बाकी को नॉमिनेट कर दीजिए। तीन लोगों को नॉमिनेट करवा दिया, अरमान को बचा दिया। अरमान को वोटिंग नहीं मिलनी थी क्योंकि उसको वोट मिल ही नहीं रहे थे। शिवानी लवकेश और विशाल को नॉमिनेट करवाया। अब घर पे जो वोटिंग हुई कि भैया कौन बाहर करना चाहता है, तो शिवानी को वोटिंग के आधार पर निकाल करके बाहर कर दिया आपने। इसके बाद दूसरा किसका इवेक्शन हुआ है? देर रात इन्होंने उठा करके दूसरा भी इवेक्शन कर दिया है। अगर आपने अभी प्रोमो देखा होगा, जानवी कपूर वाला जो नया प्रोमो आया है, उस प्रोमो में आपको दो सदस्य घर से बाहर दिखाई दे रहे हैं, और वो है विशाल पांडे और शिवानी कुमारी। इन्होंने शिवानी कुमारी और विशाल पांडे को घर से इवेक्ट कर दिया है, जबकि दोनों व्यक्ति अच्छा खासा कंटेंट दे रहे थे। विशाल ने भी बहुत तगड़ा कंटेंट दिया और वो डिजर्व करता था कि टॉप 2 या टॉप 5 में पहुंचे, लेकिन नहीं, वहां पर उन लोगों को टॉप 5 पे लेके जाना है जो लोग किसी काम के नहीं थे। अरमान मलिक, जिसने शुरुआत से निगेटिविटी फैला के रखी बिग बॉस में, लोगों को बुली करना, लोगों को परेशान करना, बार बार चुगली करना, हर एक चीज को, वह केवल रणवीर के पीछे पीछे घूमता रहा। केवल इसी वजह से उसको उसका परिणाम मिला है, उसको फायदा मिला है कि वो रणवीर के पीछे पीछे घूमता रहा, रणवीर को सपोर्ट करता रहा। कृतिका मलिक, जो कि केवल चटनी बनाती रही है पूरे बिग बॉस में, भैया उनको अभी भी रखे हुए हो, फिनाले वीक में लेके जा रहे हो। जो बंदे निकाल रहे हो वो फिनाले वीक लायक थे, लेकिन उनको नहीं लेके जा रहे हैं वहां पर। सिंपल सी बात है, ये तो समझ में आ चुका है कि पूरा का पूरा बिग बॉस एक्सपोज्ड हो चुका है, पूरा प्लान्ड है। रणवीर शौरी को ये विनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि रणवीर शौरी की छवि सुधारना है बॉलीवुड के अंदर, उनको फिल्में दिलवानी है। ये सारा एग्रीमेंट होकर के ही आया था। भैया रणवीर ने कहा था शुरुआत में ही कि 10 साल से पीछे पड़े हैं, मैं आ गया हूँ, है ना, तो अब मैं आ गया हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ शर्तों से ही आए होंगे। दूसरी चीज़ है, अरमान मलिक को इसलिए रखे हैं कि वो कंटेंट दे रहा है, भले ही निगेटिव दे रहा है। कृतिका मलिक को रखे हैं कि वो रणवीर शौरी की और अरमान मलिक की सेवा में लगी रहती हैं। साई केतन राव को इसलिए रखे हैं कि वो टीवी एक्टर है, क्योंकि टीवी वाले मिल नहीं रहे बिग बॉस 18 के लिए। नेजी को रखे हैं कि वो रैपर था, जेल चला गया था, उसकी मार्केट खत्म हो गई थी तो उसकी मार्केट बनानी है। मतलब सबकी मार्केट बनाने का ठेका बिग बॉस ने ले रखा है, और जो अच्छे कंटेस्टेंट हैं उनको उठा करके बाहर कर देना है, दुनिया को बेवकूफ बनाना है। तो खैर, ये बिग बॉस का शो बेवकूफ बनाने का शो है, साफ समझ में आ चुका है। अनिल कपूर जी, जो कि मतलब क्या ही कहें इनके बारे में, एक जोकर वाली होस्टिंग कर रहे हैं, होस्टिंग में कोई दमी नहीं है इनकी। मतलब आप आते हो और एक ही बंदे को, सना मकबूल खान को टारगेट करते हो, पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा लोगों का खा जाते हो, ये भाई कैसी होस्टिंग है? आज तक अरमान मलिक या रणवीर सॉरी के ऊपर या कृतिका मलिक, इन लोगों ने इतना उठपटांग बोला है पीछे, लेकिन कभी आपने उनको उठा करके उनको ट्रोल किया या उनके बारे में कुछ बोला? वो अरमान कह रहा है कि यहाँ साले सबको मैं नौकरी में रख लूँ, कोई यहाँ पर रहने लायक नहीं है, सबकी मार्केट खत्म है, सबको बनाने के लिए लाया गया, वो पिल्ले हैं, वो कुत्ते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उनको नहीं एक्सपोज करते हो। उसी जगह विशाल पांडे की छवि खराब करने के लिए बार बार एक्सपोज करते हो, छोटी छोटी बातों में एक्सपोज करते हो। सना मकबूल खान को छोटी छोटी बातों में एक्सपोज करते हो, शिवानी कुमारी को बात जरा जरा सी बात में, उसको उसकी भाषा को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर आप उसे एक्सपोज करते हो। तो जो भी था, ओवरऑल पूरा का पूरा प्लान्ड और स्क्रिप्टेड समझ में आ रहा है बिग बॉस। आपको क्या लगता है कमेंट पर जरूर बताइएगा। एक एक अपडेट यहीं पर मिलेगी।